हेलो फ्रेंड्स, बुटीक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे इंडस्ट्रियल ग्रेविटी फीड आयन का अनबॉक्सिंग और साथ ही उसका इंस्टॉलेशन। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, जैसे सिल्वर स्टार, सिल्टी, राइज एवर, सुमो, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कंपनियां हैं वो 1200 और 1600 वैट का प्रोडक्शन करती है, तो कुछ कंपनियां 1300 और 1600 वैट का प्रोडक्शन करती है। आप आपके यूज के हिसाब से उसे परचेस कर सकते हैं। हमने ये राइज एवर कंपनी का 1600 वैट का आयन लोकल डीलर के पास से परचेस किया है करीब 3500 में। दोस्तों, ये जो आयन है ये स्पेशली इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल यूज के लिए बनाया है, लेकिन इसे आप आपके बुटीक में, टेलरिंग शॉप में, लॉन्ड्री में या फिर आप आपके घर पर भी इसे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर डिटेल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है फॉर इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल यूज, इजी एंड पावरफुल स्टीम रिलीज, ये सॉफ्ट टच थंब स्विच है इसे, जिसे प्रेस करते समय ही आपको नीचे से स्टीम मिलेगा। ये ग्रेविटी फीड स्टीम आयन है। इसका जो डिजाइन है वो काफी इलिगेंट बनाया है और ये हाई प्रोडक्टिविटी देता है। दोस्तों, इसे ताइवान में डिजाइन किया है। दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत आयन देखे, उन्हें चाइना में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, लेकिन इस प्रोडक्ट को उन्होंने ताइवान में डिजाइन किया है। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें मिलेगा ये ज्ञान का भंडार, इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, इसे आप जरूर पढ़ लीजिए। दोस्तों, ये है फिर वॉटर टैंक, इसका करीब कैपेसिटी है 4 लीटर का। इसके अंदर कुछ मटेरियल है, दोस्तों ये है आयन, ये इसका केबल है, इसका लेंथ करीब 2 मीटर होता है। ये आप आयन देख सकते हैं, काफी अच्छा डिजाइन लग रहा है। यहां पर इन्होंने ये स्विच दिया है, इसकी स्पीड हम कम ज्यादा कर सकते हैं, 1 से लेकर उन्होंने 5 तक स्पीड दी है। 1 और 2 पर हम इसे प्री हीट कर सकते हैं, 3 पर हम सिल्क जैसे फैब्रिक को आयन कर सकते हैं, 4 और 5 पर हम कॉटन या फिर लिनन जैसे जो फैब्रिक होते हैं उनको आयन कर सकते हैं। यहाँ पर ये सोलोनाइट वॉल दिया है और जो टैंक से आने वाला पाइप है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा, और यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच है, और ये यहाँ पर थंब के पास में एक स्विच दिया है जिसे प्रेस करने के बाद नीचे से स्टीम आता है। तो काफी बढ़िया डिजाइन लग रहा है और इसका वेट करीब मुझे 2.5 किलो का लग रहा है। फिर दोस्तों, ये है वाटर टैंक को ऊपर से हैंग करने के लिए। इससे पहले मैंने जितने देखे वो मेटल के आते थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं इसे प्लास्टिक का देख रहा हूं, शायद फ्यूचर में इसे चेंज करना पड़ सकता है। और ये है सिलिकॉन का आयन रेस्ट, इसके ऊपर गर्म आयन रखा तो भी इसे कुछ नहीं होता। और दोस्तों, ये है टेफ्लॉन शू, इसे हमें नीचे से अटैच करना होता है आयन को, ताकि कोई कपड़ा जलता नहीं। और ये बैग हमसे छूट गया, देखते हैं इसमें क्या है। ये सिलिकॉन पाइप दिया है जो वाटर टैंक से लेकर आयन तक जाएगा, और ये छोटा पाइप है ये भी कनेक्ट होगा, यहाँ पर कनेक्टर दिया है। ये साइड जो कनेक्ट होती है वो सोलोनाइट वॉल को कनेक्ट होगी। ये 2 स्प्रिंग दिए हैं, इसे हम सोलोनाइट वॉल के आगे से पाइप के ऊपर इसे लगाएंगे, ताकि आयन करते समय पाइप फोल्ड ना हो। लगाना तो 1 स्प्रिंग होता है, तो अगर हम चाहे तो 2 स्प्रिंग भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये कुछ क्लिप्स दी है उन्होंने, ये जो क्लिप्स होती है वो केबल को और पाइप को एक साथ लगाने के लिए होती है, ताकि आयन करते समय डिस्टर्ब ना हो।
दोस्तों ये कुछ मटेरियल है, इसे हमें वाटर टैंक के अंदर इंस्टॉल करना है। और दोस्तों हमने कुछ ऐसे टाई क्लिप मार्केट से परचेस किए हैं। ये क्लिप लगाने के बाद ऊपर जो केबल बचता है और पाइप बचता है तो उसे भी हम इसे टाई करेंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो आयरन करते समय। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं इसका इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन करते समय सबसे पहले हमें वाटर टैंक से स्टार्ट करना होता है। दोस्तों इससे पहले बहुत सारी वाटर टैंक देखी है मैंने, तो उन्हें जो टैप अटैच होता है वो साइड से होता है, इसे उन्होंने नीचे से दिया है। तो इसका बेनिफिट यही होगा कि पूरा पानी हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो हम वाटर यूज करने वाले हैं वो हमें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, या हमें हम जिसे बिस्लेरी या मिनरल वाटर कहते हैं, वो वाटर हमें यूज करना है ताकि आयन ब्लॉक ना हो। अगर हम कोई सादा पानी यूज करेंगे तो उससे आयन ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं और फिर इसे मेंटेनेंस काफी बढ़ता है। तो ये जो टैप दिया है इन्होंने, इसे हम नीचे से अटैच करेंगे। देखिए नीचे से लगाकर ये जो दिया है वो अंदर से फिट करना है। दोस्तों चाहे तो आप किसी टूल को यूज करके अंदर से इसे टाइट कर सकते हैं। फिर दोस्तों ये जो राउंड वाला दिया है वो अंदर से फिट होगा। बॉटम में फिट होगा, फिर ये रबर का जो वाइसर दिया है वो भी अंदर से फिट होगा। अभी ये टैंक को हैंग करने के लिए ऊपर में लगेगा। ऊपर तो यहां पर इसका कवर आने वाला है, इसलिए ये नीचे लगेगा। दोस्तों ये हो गया टैंक का सेटअप। फिर ये जो पाइप होगा वो टैंक को ये जो टैब लगाया है उसके नीचे से हम करेंगे। तो इस पाइप को प्रॉपरली हमें फिट करना होता है ताकि वाटर लीकेज ना हो। फिर दोस्तों ये जो पाइप है तो ये छोटे वाले पाइप को हम कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो स्प्रिंग दिया है वो इसमें हम इंसर्ट करेंगे। इन दोनों स्प्रिंग को हम यूज करेंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो आयरन करते समय, और इन स्प्रिंग को हम इसके ऊपर लगाएंगे। चलिए दोस्तों अब ये नीचे का जो पाइप का पार्ट है वो सोलेनोइड वॉल को कनेक्ट होगा, तो इस कवर को हम बाजू में रखेंगे। और स्प्रिंग को इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों अब लगाने के बाद ऐसे दिखेगा। फिर दोस्तों ये जो केबल है तो यहां पर हम जो क्लिप दी है उसे लगाएंगे ताकि आयरन करते समय हमें कोई डिस्टर्ब नहीं होने वाला केबल और पाइप का। इसी तरह से हम तीनों क्लिप को अटैच करेंगे डिस्टेंस पर, और ये जो टाई क्लिप है इससे भी हम यहां पर लगाएंगे। दोस्तों टाई क्लिप को जैसे ही हम टाइट करेंगे तो एक ध्यान रखना है, इस पाइप यहां पर ये टाई क्लिप से ज्यादा प्रेशराइज ना हो ताकि फिर वाटर ब्लॉक हो सकता है वहां पर। तो इस तरह से हमने इसे अटैच कर दिया है। दोस्तों अब ये जो टेफ्लॉन शू है हमें इसे आयन के नीचे से अटैच करना है। तो देखिए इसे करते हैं ऐसे अटैच।
तो ये हो गया अटैच। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस आयन को यूज कर देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने वाटर टैंक को एक अच्छे से हाइट पर सेट किया है ताकि ग्रेविटी अच्छी मिले, और यहाँ पर केबल और पाइप को एक साथ में अच्छे से हमने टाई किया है। तो चलिए दोस्तों, इसे करते हैं ऑन।